स्टेडियम के सामने सड़क के किनारे दोनों ओर सैकड़ों दुकानों के कारण आपात स्थिति में एम्बुलेंस सेवा भी बाधित हो जाती है। साथ ही दुकानों पर खुलेआम शराब पिलाने वालों की झुंड लगी रहने से महिलाओं का निकलना दूभर हो जाता है। इसी समस्या को लेकर अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी को गाँव वासियों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। अब देखना यह है कि प्रशासन मूकदर्शक बनकर समस्या को अनदेखा करता है या फिर अवैध अतिक्रमणकारियों पर कड़ी प्रतिक्रिया अपनाई जाती है। रोशनाबाद बन गया जादू नगरी। रातों रात शिवम बिहार में भूमाफियाओं द्वारा अवैध अतिक्रमण यानी पंचायती जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है। अधिकारी हेमोन, आखिर क्यों, क्या है रहस्य? अभी हाल ही में केल्विन केयर कंपनी के पश्चिम दिशा जहां शिवम बिहार ऐसी तमाम भूमि भूमाफियाओं के द्वारा ढकार ली गई है जो बंजर होने के नाते ग्राम पंचायत कर अधिकार में थी। अब जो भूमि और नाला शेष बचा था उस पर भूमाफियाओं द्वारा धीरे धीरे दुकानों का निर्माण कर बेच दी गई है। रोशनाबाद में अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस कदर बढ़ रहा है। एक साइकिल वाला जो निकल जाए वो तो निकलने की जगह भी नहीं मिलती, इतना बढ़ रहा है। कहाँ कहाँ के लोग हैं जो अतिक्रमण कर रहे हैं? सब ये लोग बाहर के हैं, कुछ गांव के भी हैं, कुछ बाहर के हैं। ये भी कहा जाता है कि वहाँ रोज लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती है, इतनी बन जाती है लड़ाई झगड़ा रोज हो जाता है वहाँ। लोग बाग अपने ठेपे इस कदर दारू पिला रहे हैं जो उन्हें रोकना चाहता है गाँव का बंदा, उसके पास लड़ाई झगड़ा तैयार एकदम। प्रशासनिक अधिकारियों से क्या कहेंगे आप? अतिक्रमण को लेकर के अधिकारियों को लेकर कहेंगे इस प्रकार को इसका हटाएं बिल्कुल। क्या है प्रॉब्लम? ये जो गांव रोशनाबाद में जैसे हम एंटर करते हैं उसमें जाते ही अतिक्रमण कदर बढ़ चुका है और नशा जहां तहां नशे का कारोबार चल रहा है। स्टेडियम के नेशनल स्टेडियम हमारे यहां पे उसके सामने ही अतिक्रमण इस कदर बढ़ा दिया गया है और वहीं पे नशे का कारोबार चल रहा है। और शाम के टाइम जैसे ही 5:30 का समय होता है तुरंत ही वहाँ पर दारू पिलाते हैं अपने मार्केट में बिठा बिठा करके। हमने काफ़ी लोगों को समझाने की कोशिश की तो ऊपर तुरंत हमारे ऊपर हमला करने के हैवी हो जाते हैं। इस बारे में हमने सिडिकुल थाने को कई बार सूचना दे चुके हैं, एक बार उप जिलाधिकारी जी को भी हम सूचना दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, तो आज हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। एसडीएम साहब को कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं? एसडीएम साहब को हम 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं। उसका क्या निर्णय निकला है? उसका कोई निर्णय नहीं अभी तक निकला है। जिन लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है वो कहाँ के लोग हैं? वो सब बाहरी लोग हैं। कहाँ से कहाँ तक अतिक्रमण है? रोशनाबाद मार्केट से लेकर के महिंद्रा फैक्ट्री तक अतिक्रमण है। शाम के टाइम बहुत सी बार ऐसा होता है कोई पीड़ित परिवार अगर किसको एम्बुलेंस में लेकर जाता है तो वहाँ पर ये कंडीशन हो जाती है कि बहुत सी बार बहुत हादसे हो चुके हैं कि एम्बुलेंस पार नहीं हो पाती हमारी। अच्छा, ये भी सुना गया कि पहले इससे पहले भी वो अतिक्रमण लगभग 3 बार पहले हटाया जा चुका है। जी जी, 3 बार हटा चुके हैं, लेकिन जब भी अगर वो बाहरी लोग हैं उनका कुछ का हमें पता भी नहीं कौन कहाँ से है, कहाँ बांग्लादेशी है, कौन है, काफी सारे इस प्रकार के लोग हैं उसमें। जब भी हम वहाँ पर जाते हैं अगर हम उनके साथ बोलते भी है गाँववासी अगर इकट्ठे होकर जाते हैं तो उनके साथ बदतमीजी हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि शाम को 5 बजे के बाद ऐसा जाम लगता है कि वहाँ एम्बुलेंस भी कई बार फंस चुकी है। जी, ऐसा कई बार हो चुका है। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से रणवीर कुमार की रिपोर्ट।